कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी प्याज और पालक के पकौड़े। बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी है और लाइट भी है। इसके लिए आपने यहाँ पे मैदा बेसन ले लिया है तकरीबन 1.5 कप। ठीक है, 1.5 से 2 कप के दरमियान आपने बेसन ले लेना है। और इसमें हम पहले सारे ड्राई इंग्रीडियंट्स मिला देते हैं। ड्राई इंग्रीडियंट्स में हमारे पास यहाँ पे है 1 टेबल स्पून सॉल्ट, या 2 टेस्ट सॉल्ट ले लें। और ये सूखा धनिया है 1 टेबल स्पून भर के। मीठा सोडा है 1/4 टीस्पून। और लाल मिर्चों का पाउडर, लाल मिर्चें हैं हमारे पास 1 टेबल स्पून। आप इसकी जगह कुटी हुई लाल मिर्चें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी है 1/4 टीस्पून। और हरी मिर्चें हैं 2 बड़ी साइज़ की, इसको हमने स्लाइस में काट लिया था। अब और ज़ीरा है 1 टेबल स्पून लेवल। अब हम सारे पहले ड्राई इंग्रीडियंट्स मिक्स कर लेते हैं। सॉल्ट, लाल मिर्चें, धनिया और हल्दी और ज़ीरा, ये सारा कुछ, मीठा सोडा, ये सारा कुछ हम इसमें डाल देते हैं। इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा सारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब हम इसके अंदर ये प्याज डाल देते हैं। प्याज हमने ली थी, ये स्लाइस कर लिए। एक बड़े साइज़ की ले लें या 2 मीडियम साइज़ की प्याज को लेके आपने स्लाइस में काट लेना है। और ये 1 कप तकरीबन होनी चाहिए, ये आपने इसमें ऐड कर दी। यहाँ पे हमारे पास पालक है तकरीबन 1/2 कप। आप 1/2 कप से 1 कप के दरमियान ले सकते हैं। ठीक है, वॉश करके और आपने इसको इस तरह से काट लिया। बहुत ज़्यादा बारीक बारीक नहीं काटना है, ये मोटा मोटा ही काटना है। ठीक है, आपने ये भी इसमें ऐड कर दिया। और यहाँ पे हमारे पास है हरी मिर्चें, ये भी हमने इसमें ऐड कर दी। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मैं हाथ इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं पानी पहले इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि पालक में भी थोड़ा सा पानी होता है और प्याज में सबको पता है पानी होता ही है। तो इसलिए अगर मैं इसमें पहले पानी डाल दूँगी और बाद में मिक्स करूँगी तो हो सकता है कि हमारा बैटर पतला हो जाए। हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं चाहिए, इसलिए मैं पहले इसमें प्याज और पालक को अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेती हूँ ताकि इसमें जितना भी इसका मॉइस्चर निकलना है वो निकल जाए और फिर हम उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दें। ये देखें, इसके लिए पहले आप पालक को धोइएगा और फिर काटिएगा। काट के फिर नहीं धोइएगा क्योंकि वो फिर उसमें थोड़ा बहुत पानी रह जाता है। ठीक है, ये देखें, ये हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार हो गया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते हैं। बैटर हमारा बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सख्त सख्त रहेगा। तकरीबन मैंने 1 कप पानी लिया था, लेकिन मैं देख के डालूंगी जितना मुझे ज़रूरत हुई। अगर आपका बैटर बहुत ज़्यादा पतला होगा तो आप इसमें बेशक थोड़ा सा और बेसन डाल लें। थोड़ा सा पानी और जाएगा। बस इससे ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। ये हमारा जो बैटर है पकौड़ों का वो तैयार हो गया है, प्याज और पालक के पकौड़ों का। अब हम इसको थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देते हैं, तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। और जितनी देर में हमारा ऑयल गर्म होता है, हमारा ऑयल गर्म होगा तो हम इसको फ्राई कर लेंगे। जी, तो हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया। अब मैं इसके अंदर पकौड़े डाल रही हूँ, मैं हाथ की मदद से डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसको स्पून से भी ऐड कर सकते हैं, मुझे हाथ से इजी लगता है।
ये डालते रहेंगे, और अब हमने इनको इतनी देर कुक करना है कि ये हमारे जो अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी हो जाए, और जब ये हमारे तैयार हो जाएंगे फिर हम इनको छन्नी में निकाल लेंगे और इनको सर्व करेंगे। जी तो हमारे पकौड़े जो हैं वो तैयार हो गए हैं गोल्डन ब्राउन, मैं इनको निकाल रही हूँ। अपने इसको छन्नी में निकाल लिया और इसमें जितना ऑयल था एक्सेस वो निकल गया और ये हमारे पकौड़े तैयार हो गए। उम्मीद है कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।